ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। अक्सर आप ये कमेंट्स मुझे पूछते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं, हमें किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, जिनकी पूजा करने से हमारा भाग्य खुले, सौभाग्य खुले। क्या अभी हम वर्तमान जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो हमारे इष्ट है भी कि नहीं है, और इष्ट की पूजा उपासना करने से क्या होता है, इष्ट की उपासना करने का सही तरीका क्या है, और इष्ट को कैसे प्रसन्न करें हम। जब कभी भी किसी व्यक्ति को अपने इष्ट देव पता होते हैं या इष्ट की वो उपासना करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी कुंडली से वो सभी नकारात्मक जितने सारे योग होते हैं, जितने सारे नकारात्मक उनकी कुंडली में दोष होते हैं, उन दोषों का निवारण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए आपको अपने इष्ट देव पता होना अनिवार्य है। दूसरी बात है कि इष्ट देव पता है, लेकिन हम उनकी उपासना किस तरह से करें, क्योंकि सही उपासना करने से, सही पद्धति, पूजा पद्धति का प्रयोग करने से भी बहुत हद तक चीज़ें हमारे पक्ष में होती हैं। तीसरा प्रयोग है कि इष्ट देव अगर हमसे रुष्ट है तो उसके क्या संकेत है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न है या नहीं है, क्योंकि इष्ट को प्रसन्न करना सबसे बड़ा इस युग में काम है दोस्तों। तो इस पूरे जवाब प्रश्नों उत्तर आपको मिल जाएंगे, इन पूरे प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और यह भी प्राप्त आप करेंगे कि इष्ट की कृपा आप पर बहुत कम समय में जल्द से जल्द हो जाएगी। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है दोस्तों। सर्वप्रथम जब इष्ट की बात आती है तो बहुत सारे जातकों को इष्ट को जानने के तीन तरीके हैं। अब इन तीन तरीकों को आप बहुत बारीकी से समझें। सबसे पहला तरीका है कि बचपन से ही अनायास कोई एक देव हैं जिनके प्रति आपका मन ही लगाव है, किसी ने आपको उनके बारे में कुछ बताया नहीं, आप बचपन से ही आपका बस उनके प्रति विशेष लगाव है। वो भगवान शिव हो सकते हैं, माँ संतोषी हो सकती है, माँ दुर्गा हो सकती है, गणेश जी हो सकते हैं, भगवान का कोई भी स्वरूप भगवान कृष्ण हो सकते हैं। एक बचपन से ही स्वाभाविक सा हमारा लगाव हो जाता है। तो जब मन किसी ईश्वर के प्रति स्वतः ही दौड़ा जाए तो वो सबसे पहला आपका इष्ट है। आप ये स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर ले कि वो आपके इष्ट हैं। दूसरा तरीका होता है कि जो हमारे कुल देवता होते हैं, कुल देवी कुल देवता, जो हमारे माता पूजा पिता या हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, हमारे समाज के लोग जिनकी उपासना करते हैं, वह हमारे इष्ट होते हैं। देवनारायण भगवान जैसे बहुत सारे जातकों के बहुत सारे देवता हैं हमारे, जिनका लोग उपासना करते हैं। तीसरा तरीका ये होता है गुरु कृपा, मतलब जो हमारे गुरु के आदेश के पालन, गुरु कहते हैं कि आप इन देवी देवताओं की उपासना करें, तो गुरु कृपा से इष्ट कृपा होती है। तो गुरु के कई बार आदेश के अनुसरण कर भी बहुत सारे जातक अपना इष्ट प्राप्त करते हैं। तो इन तीनों तरीकों में से आपने तीनों तरीकों को समझ लिया है तो अब आपको अपना इष्ट पता लग चुका होगा। आपका इष्ट क्या है ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिखें कि हमारा इष्ट देव ये है। अब दूसरा तरीका है कि इष्ट को कैसे प्रसन्न करें। दरअसल जो इष्ट होते हैं हमारे, वो हमारी आत्मा को प्रसन्न करने वाला स्वभाव होता है। इसलिए इष्ट हमेशा दीन दुखी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से इष्ट बहुत प्रसन्न होते हैं। आप इष्ट की उपासना की जो भी पद्धति है उसे फॉलो करें। भगवान शिव की उपासना करें तो रोज़ जल से अभिषेक करें, महामृत्युंजय का पाठ करें। अगर आप राम जी के उपासक हैं तो सीताराम का जप करें, राम मंदिर में दर्शन करें। कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण के जप करें, कृष्ण गीता का पाठ करें। आप जो भी कृष्ण मंदिरों में दर्शन करें नियमित रूप से, और उन इष्ट का जाप करें। लेकिन सभी इष्टों में जो मूल है वो उनका मूल स्वभाव है प्रकृति प्रेम, और जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उनकी मदद करना। तो अगर आपने इष्ट